हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू शक्ति ट्रैवलर। सोचो आज थोड़ा ब्लॉग करूँ, मज़ा आ जाएगा। देखो एक ब्यूटीफुल स्पॉट है, लेक सी ट्राई करते हैं। अगर मैं हो सके तो, अगर टाइम पे पहुँच गया तो फिर मैं ब्लॉग कर सकता हूँ। वो स्पॉट फिलहाल ऐरोली में है, तो उसके लिए मेन अपन को ऐरोली ब्रिज क्रॉस करके ऐरोली का और इंटीरियर में जाना होगा। देखते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ ईस्ट एक्सप्रेस हाईवे में, देखते लेट सी, देखते आगे और क्या क्या है। होप सो अपन को जस्ट ईस्ट एक्सप्रेस हाईवे से हम कनेक्ट हुए हैं, आगे जाके हमको वो ब्रिज क्रॉस कर, हम कुछ 1.8 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस, वो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही वो स्पॉट आ जाएगा। देखते हैं अभी, चलो अब जस्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा साइकिलिंग। फिलहाल हाईवे तक तो आ गया, मेरे हाईवे से और आगे बहुत है, समझ के चलो कुछ 2 किलोमीटर। चलो देखते हैं, और अंदर है बहुत, चलो देखते चलो। गाइस वेलकम टू शक्ति ट्रैवलर। मैं बोला था ना एक ऑसम जगह पे लाऊंगा करके, वो आ गया, इधर ही है। ऐरोली ब्रिज क्रॉस करते ही ऐरोली के बाजू में ही है थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी। जस्ट अभी एंट्री मार रहा हूँ, इसका कुछ एंट्री फीस है 50 रुपीज। जस्ट अभी मैं एंट्री मार रहा हूँ, देखो एकदम बढ़िया सेंचुरी है, मस्त। अभी जस्ट स्टार्ट किया, चलो शुरू करते हैं व्लॉग। पहले टिकट लेना होगा, लेते हैं टिकट, चलो। एकदम बढ़िया जगह, एकदम मस्त जगह है ये, ऐरोली में ही है। थाने फ्लेमिंगो क्रिक भी बोल
थाने फ्लेमिंगो क्रिक सेंटर भी बोलते हैं या फिर एरोली बायोडाइवर्सिटी सेंटर भी बोलते हैं। ये सेंटर है, इसके अंदर म्यूजियम टाइप है फ्लेमिंगो से रिलेटेड। ये एक फिलहाल कोस्ट लाइन एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर है। देखो फिलहाल हम अंदर बाद में जाते हैं, पहले थोड़ा सराउंडिंग घूमते हैं, नहीं तो बाद में कैसा अंधेरा हो जाएगा। सेंटर तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ये देखो सराउंडिंग एकदम बढ़िया है ना, एकदम मस्त। एकदम ऑसम जगह है, मस्त जगह है। मैं प्लस पहले सराउंडिंग घूमता हूँ, देखो फुल ग्रीनरी है। आप फैमिली के साथ, कपल्स के साथ आ सकते हो या फिर स्टूडेंट्स को भी लेके आ सकते हो, जो 5th to 10th के बीच में, जिसको नेचर में बायोडाइवर्सिटी में इंटरेस्ट हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, एस्पेशली जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट करते हैं, यानी कि जो प्लांट साइड में जो फ्लोरा फौना में इंटरेस्ट है वो, इसके लिए तो जन्नत प्लेस है, ऑसम प्लेस है। अब तो बस स्टार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर और क्या क्या है। पहले मैं बाहर के सराउंडिंग जो है उसको मैं कवर करता हूँ। देखो ये और दूसरा वाला ये सेंटर है, ये दूसरा सेंटर, वो जो था वो पहला सेंटर था। दूसरा सेंटर है, हम अंदर बाद में जाएंगे, टाइम है उसके लिए। एक्चुअली मैं इवनिंग में आया, इसको कैसा 9 to 6 ओपन रहता है ना, तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए, लेकिन कैसा मेरा जॉब शेड्यूल रहता तो फिर मैं बीच में आ नहीं सकता, तो फिर डायरेक्ट इवनिंग को ही मैं फ्री होता हूँ। तो मैं इवनिंग में आ गया, फिर भी कोई बात नहीं, तुम लोग को पूरा टूर करवा दूंगा मैं। लेट सी, यहाँ पर एक चीज मैं भूल रहा हूँ, लेट सी देखते क्या है। ये जो पॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, आपको बहुत सारे कोई फिश दिखेंगे, लेकिन फिलहाल कैसा वाटर इतना क्लियर नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ अंदर बड़े बड़े फिशेज है, कोई फिश है। यहाँ से मैं नेकेड ऐसे देख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वाटरप्रूफ केस, लेकिन वाटर इतना क्लियर भी नहीं कि मैं अपने कैमरा को पानी के अंदर डाल दूँ, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो कितने बड़े बड़े फिश है, बहुत बड़े बड़े साइज में। फिलहाल वाटर इतना क्लियर नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े फिश है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा, एक्चुअली अंदर और है, और अंदर बहुत रोड है जाने के लिए। देखो मैनी डायरेक्शन, चलो जाते वॉक करने के लिए, सही जगह एकदम मस्त है, मस्त वेदर भी अच्छा होना चाहिए और पीस है, शांति है यहाँ पे। थोड़ा घूमने के लिए किसी कपल्स, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट, उनको अब तुम लेके आ सकते हो यहाँ पे, मस्त मस्त एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे तुम आ सकते हो। यहाँ पे इतनी कोई पब्लिक नहीं, और इतनी पब्लिक को यहाँ पे पता नहीं है प्लेस के बारे में, बहुत कम लोग को पता है। थाने दो टाइप, दो नाम है इसका, थाने फ्लेमिंगो क्रिक और दूसरा है एरोली बायोडाइवर्सिटी सेंटर। फिलहाल मैं हाल ही में एक व्लॉग किया था, आपको पता ही होगा, बीपीएस बांडू पंपिंग स्टेशन फ्लेमिंगो, सेम डिट्टो वैसे ही, ये भी फ्लेमिंगो के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे कैसा थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे दो सेंटर्स हैं, म्यूजियम्स टाइप है फ्लेमिंगो लेके, और मरीन, मतलब यहाँ पे मरीन डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब तुमको बहुत कुछ देखने मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपने कभी वो पता है आपको जूहू चौपाटी में एक वेल मिला था, याद है कि नहीं? वेल तो उसके बोन्स यहाँ पे रखे हुए, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो देखो ये वेल्स के बोन्स है, ये सारे वेल्स के बोन्स है, बोन्स। ये ग्रे हमबैक वेल है या फिर ब्लू वेल है, पता नहीं, ग्रे हमबैक वेल ही होगा, ये सारे वेल्स के बोन्स है। ये देखो ये मैं आया, एक्चुअली इसको बाहर रखे थे, फिलहाल इसको अलग अलग पीसेस करके अंदर रखे, क्योंकि यहाँ पे मानसून सीजन में बोन्स कैसे डिकम्पोज हो जाएंगे ना, इसलिए। देखो कितने बड़े बोन्स है, ब्लू वेल्स के बोन्स। देखो ऐसा लग रहा है डायनासोर के बोन्स है। देखो
इसको टच भी कर रहा हूँ। ब्लू व्हेल्स के बोन्स है सारे, व्हेल्स के बोन्स है, व्हेल्स ये देखो। ओह माय गॉड, इसको तो देखो जरा कितना बड़ा बोन है, माँ कसम कितने बड़े बोन्स है देखो। एक अजीब सा स्मेल आ रहा है एकदम, मतलब अजीब सा एकदम, ऐसा स्मेल मैं कभी नहीं स्मेल किया, एकदम थोड़ा केमिकल का स्मेल आ रहा है यहाँ पे। फिर इसमें केमिकल डाला है बोन्स के ऊपर ताकि ये डिकम्पोज ना हो जाए। एक अलग सा केमिकल का स्मेल आ रहा है मतलब यहाँ पे देखो, वहाँ कसम कितने बोन्स है यार। इसको तो देखो यार कितने बड़े बोन्स है। वूफ, ये शायद उसका बैक रहेगा और ये शायद उसका फिन रहेगा। फिन, फिन के बोन्स देखने हैं आपको, ये देखो ये फिन के बोन्स है, देखो ये फिन के बोन्स है, रिब के बोन्स है। जाते हैं आगे, जाते हैं और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने मिलेगा। ये हम बाहर आ गए, इसके अंदर स्टोर किया था व्हील्स को, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, अंधेरा हो जाएगा, और आगे देखते और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है ना उसके लिए जन्नत है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स है यार, मतलब मैं जो 11th 12th में जो बायोलॉजी में पढ़ा था ना, ब्ला 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 जो क्या क्या नाम था उसका, उस सारे प्लांट्स इधर ही है। उसका नाम मुझे कुछ याद नहीं अभी, लेकिन उस सारे प्लांट्स इधर है, तुमको दिखाता हूँ ना, चलो आगे। मैं आपको बोल रहा, देखो भांडुप पंपिंग स्टेशन में भी बोट राइड है, यहाँ पे भी बोट राइड है, लेकिन फिलहाल तो बंद है। लेकिन मैं आपको उसका व्यू दिखा सकता हूँ कि अभी फिलहाल पानी सब ड्राई हो चुका है, जब मानसून में आओगे ना तो पूरा यहाँ पे पानी पानी रहता है वहाँ तक, तो तुमको दिखाता हूँ मैं, चलो देखते। मज़ा आ रहा है व्लॉग करने के लिए, सही में बहुत मज़ा आ रहा है, चलो देखते। देखो ये फिश यहाँ पे पाया जाता है, मड स्कीपर, मड स्कीपर। हाँ टिकट, थैंक यू। बोट राइड कभी चालू होतो? म्हणजे आज चालू नाही, आज तर पाणी पूर्ण ड्राय आहे। हा का चालू असतो का? असं नाही ना, मान्सून सीझनला चालू असतो, मान्सून सीझनला बंद असतो, बाकी इतर वेळेस हो का? किती तिकीट असतील भरपूर? हा हा, संबंध संबंध, किती तिकीट? म्हणजे पूर्ण राईड मारून येते ते? ठीक आहे, थँक्यू। मँग्रोव्स फिलहाल अभी ये लो टाइड है, तो यहाँ पे बोट राइड, जैसा वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कि हाई टाइड रहेगा तो ही बोटिंग चालू रहता है। फिलहाल अभी लो टाइड है, देखो कुछ पानी नहीं, वरना यहाँ तक पानी रहता है, पूरा खाली है यहाँ पे देखो। एकदम मस्त, एकदम मस्त, सही जगह है। मतलब मुंबई में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस छुपे हुए जो पब्लिक को पता नहीं है, मतलब कोई इतना सर्च करता भी नहीं है और किसको पता भी नहीं है। देखो बोट्स, ये बोट में राइडिंग होती है। देखो इसका रेट है 250-300 रुपये, वो मोटर बोट है, ये नॉर्मल फिशरमैन लोग का बोट। कीचड़ कीचड़ हो गया, पूरा फंगा है, अलगाए सब आ गए यहाँ पे, बहुत सारे बायोडायवर्सिटी, स्नेल, बहुत सारे क्रीचर्स है। पूरा खाड़ी का पानी है पूरा, जब पानी रहता मानसून के सीजन में तब बहुत मजा आता देखने के लिए। बहुत ही सही जगह है भाई, देखो इमेजिन करो मानसून के सीजन में यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है, यहाँ से तुम्हें बोट पकड़ना और वहाँ तक जाना है, वहाँ पे सारे फ्लेमिंगोज रहते हैं। फिलहाल तो अभी कोई फ्लेमिंगोज नहीं है, ये अपने नॉर्मल व्हाइट स्टॉक बर्ड है, लेकिन जब तुम आओगे फेब मार्च या फिर अप्रैल मई महीने में तो वहाँ पे आपको फ्लेमिंगोज दिखेंगे। यस,
जो चाहिए था मुझे मिल गया, एटलीस्ट जो ढूंढ रहा था ना वो मुझे मिल गया। ये देखो प्लांटेशन, मैं बोला ना यहाँ पे प्लांटेशन करते अलग अलग टाइप के। ये देखो क्या क्या नाम है इसका, एक्सकेरिया एकलगोवा। जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है ना यहाँ पर आइए, उसके लिए जन्नत है। देखो बुगेरा जिम्नेटोरियासा, क्या क्या नाम है यार, रिजोफोरा एपिकुलेटा, और ये क्या बुगेरा सिलेंड्रिका। देखो अलग अलग टाइप्स के नाम है, अलग अलग उसके यूजेस है। एगिकेरस कॉर्निकलेट्रम अलग टाइप का प्लांट है। अरे वाह, यही तो अपन को चाहिए था, जो चाहिए वो मिल गया। चलो सीन करा था तुम्हें। मजा आ गया यार, जो ढूंढा था वही मुझे मिल गया, यही मैं ढूंढ रहा था। वुडन बोर्ड बहुत लॉन्ग है यार, लेकिन अकेला वॉक करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं सोचता हूँ अगर ग्रीनरी होता तो कितना बढ़िया होता, मतलब फिर भी ये सही लग रहा है, मजा आ रहा है। देखो ग्रीनरी, नीचे गिर गया तो खाड़ी, पूरा खाड़ी है, कीचड़ कीचड़। फुल स्कैरी व्यू लग रहा है, लेकिन मस्त लग रहा है यार। फुल पीस कोइंग जस्ट क्लीन, और चारों ओर मैंग्रोव, और इवनिंग का टाइम, बहुत सही, बहुत मजा आ रहा है। मेरे को एंड पे जाना है, देखना है एंड कहाँ पर है इसका। कम ऑन चलो। गाइस मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रहेगा, क्योंकि मतलब मैं नहीं सोचा था कि यहाँ पर हम एंड करेंगे। तुम्हें वो ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज पे मैं जस्ट अभी साइकिलिंग करके आया, और मतलब मैं सोचा नहीं था कभी फिर से इधर ही लैंड करने वाला हूँ। सुपर्ब यार, ऑसम प्लेस, मैं इमेजिन नहीं कर रहा। अभी तो आज लो टाइड है, अगर हाई टाइड रहता तो यहाँ तक पानी आता है। मतलब सुपर्ब यार, ऑसम प्लेस है, वाओ, आई लव दिस प्लेस मैन, सुपर्ब ऑसम है। आज मैं फुल तैयारी के साथ दो दो बैटरी लेके आया हूँ। ये बैटरी खत्म, मुझे लगा ही था ये बैटरी खत्म ही होने वाला है, तो दूसरा बैटरी भी मैंने लाया हूँ। मेरे को तो जाने का, अभी तक तो मैं सेंटर में गया भी नहीं अंदर, मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। देखो मतलब पानी नहीं फिर भी बहुत मस्त लग रहा है यार, मतलब पानी रहेगा तो बात ही अलग है। और मैं तो सोच रहा हूँ जब फ्लेमिंगोज रहेंगे तो क्या व्यू रहेगा, वाह मुझे तो आना है। अब तो मैं झक मार के आऊंगा, फ्लेमिंगो के टाइम तो इधर मैं आऊंगा ही, थाने फ्लेमिंगो क्रिक यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पे सारे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा फ्लेमिंगोज बैठते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया। मैं जब भी वहाँ पे साइकिलिंग करता हूँ ना, यहाँ पे मैं फ्लेमिंगोज देखता हूँ,
खासकर फरवरी मार्च के महीने में। अभी तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, पक्का मैं इधर आऊंगा, अभी तो मजा ही आ गया। ओ माय गॉड, मैंने अभी दो फ्लेमिंगोस देखा, लेकिन नॉट पिंकिश, लाइक व्हाइटिश एंड ग्रेश। मैं शायद कैमरा में देख नहीं सकता, लेकिन मैं अपने नेकेड आई से जरूर देख सकता हूँ। वो देखो वहाँ पे, वो आपको बर्ड्स दिख रहा है मेरे जहाँ पे फिंगर्स है, वहाँ पे दो फ्लेमिंगोस है, एक व्हाइटिश ग्रे और एक थोड़ा सा पिंकिश गुलाबी कलर। देखो एक दो तीन फ्लेमिंगोस है जो ग्रेश कलर में है, देखो मैं पहचान लिया उसका बॉडी से, देखो वो खा रहे है। देखो मे बी होप से जूम करते हो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, आई विल ट्राई। मेरे को नहीं लगता इतना देख पाओगे तुम लोग, नहीं देख पाओगे छोड़ो, लेकिन मैं देख सकता हूँ फ्लेमिंगोस को। व्हाइटिश ग्रेश है, नॉट पिंक, व्हाइटिश ग्रेश, मतलब फ्लेमिंगोस के वो जो कुछ कुछ जो है माइग्रेट नहीं करते, यहीं पे स्टे कर देते हैं, वो फ्लेमिंगोस है जो एक दो तीन टेन कुछ है, एक एक करके लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस में है। लेकिन फ्लेमिंगो का टाइम मैं जरूर आऊंगा यार, इसका एक ब्लॉग तो बनता है फ्लेमिंगो का टाइम, सीरियसली मजा आ जाए। फाइव ट्वेंटी हो रहा है तो मेरे पास हार्डली है कुछ, हाफ एन आवर है, सेंटर घूमना पड़ेगा अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम के, तो शाम हो रही है। देखो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल है शेट्टी ट्रैवलर, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, सपोर्ट करना मेरे को। इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट भी है, वहीं पे लिंक भी है, सपोर्ट और फॉलो करो। ऐसे हिडन प्लेसेस में दिखाता रहूंगा और बहुत सारे है, टाइम आने पर सब एक एक करके मैं उसको ब्लॉक करके तुम तक पहुंचाता रहूंगा, यही मेरा काम होगा लाइफ टाइम। और मुझे ये करना पसंद भी है, मतलब मैं जहाँ जहाँ प्लेसेस जाऊँगा उसका ब्लॉग जरूर करूँगा, ताकि तुम तक भी पहुँचे कि हाँ ऐसा कुछ प्लेसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तुम हमारे फ्रेंड्स फैमिली किसके साथ भी आके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। यार कौन यार बिजी शेड्यूल से पक गया है, काम 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 क्या, और वर्क फ्रॉम होम तो दिमाग खराब हो गया एकदम सीरियसली, लॉकडाउन में तो पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो एक दिन निकाल के फ्री ओपन चिल माइंड होके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना, फ्रेश हो जाओगे एकदम, माइंड फ्रेश फील एकदम शांत, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है सब घर पे रख के आ जाओ, सब भूल जाओ, यहाँ पर आके तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे फैमिली जो भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ जो भी हो, हस्बैंड जो भी हो, उसके साथ आओ यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। मस्त प्लेस है एकदम, पीसफुल एकदम शांत है, चाहे तो अच्छा वाला कैमरा लेके आना यहाँ पे, फोटोशूट्स मस्त मस्त आ सकते हैं, एकदम बढ़िया जगह। अभी तो फिलहाल मेरा इवनिंग का टाइम है, अंधेरा हो रहा है, तो चलो मुझे जाना भी है, बाय। थैंक गॉड मैंने दूसरा बैटरी लाया, तो मैंने अभी बैटरी चेंज कर लिया, चलो अब जाने का टाइम हो गया, अंधेरा हो रहा है। देखो व्यू, लास्ट टाइम व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, चलो अब जाते, चलो मुझे यहाँ से घर पे भी तो जाना है भाई, वो ब्रिज क्रॉस करना है यार, 1.8 किलोमीटर का ब्रिज है, थक जाता हूँ। करने बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सीरियसली। आई लव विंटर सीजन, माय विंटर सीजन इज माय फेवरेट, ना धूप का मचमच, ना पानी का मचमच, मस्त कूल एनवायरनमेंट, ठंडा एनवायरनमेंट, ठंडा दिमाग, ठंडा क्लाइमेट, मस्त मजा आता है। विंटर वाइब्स बहुत सही है, एकदम मजा आ जाता है। आई लव टू डू व्लॉगिंग, व्लॉगिंग करना मुझे बहुत पसंद है। ये क्या भाई, हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं, अगर जोरदार बारिश हुई तो भीग के जाना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं, कैमरा तो वाटरप्रूफ केस के अंदर रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कि मोबाइल की तो बैंड बच जाएगी ना भाई। चलो पब्लिक निकलते निकलते, सेंटर भी तो घूमना है, पब्लिक बहुत मजा आ गया। पब्लिक ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करो, फॉलो करो, शेट्टी ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना, ऐसे न्यू प्लेस दिखाता रहूंगा एकदम मस्त वाला, एकदम झकास वाला। अब तो बस शुरुआत है, जस्ट इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ धीरे धीरे ब्लॉगिंग में, मजा आ जाएगा। We'll be right back.
एट लास्ट बाहर निकल ही गए हम। सोलो ब्लॉगिंग करने का अपना अलग ही मजा है, सोलो ब्लॉगिंग सोलो ट्रैवलिंग करने का। बस टाइम साथ देना चाहिए, सब कुछ साथ देना चाहिए, सिचुएशन, टाइम, वेदर, मजा आ जाता है ब्लॉगिंग करने के लिए। सुपर बढ़िया जगह, एकदम मस्त जगह, एकदम दोबारा आना है मेरे को यहाँ पे फ्लेमिंगो का टाइम। लेट्स सी तभी का क्या व्यू रहेगा, होप सो इससे बेस्ट व्यू रहेगा तभी तो। चलो गाइस बहुत बाहर घूम लिया, अब सेंटर में जाने का टाइम आ गया है। अभी थोड़ा एसी का भी हवा खाते हैं ना। चलो देखते हैं अंदर क्या क्या है, लेट्स सी, क्यूरियस एकदम मस्त, बेटर ही होगा, लेट्स सी देखते हैं। मैंने बहुत अच्छा किया पहला सराउंडिंग घूमा, अगर मैं पहला सेंटर घूमता और फिर बाहर आता ना तो फुल अंधेरा हो जाता, और ऊपर से मैंग्रोव के टाइम तो को पता है कितने मॉस्किटोज रहते हैं, इतने मॉस्किटोज रहते हैं ना, सीरियसली खा जाएंगे तुमको अंदर। सो देयर इज वन गाय हैड मेट मी, ही वर्क्स हियर ओनली, लेट्स सी व्हाट ही सेज अबाउट दिस प्लेस। I'm working here. Yeah. So this is a mangrove foundation fish hatchery. Yeah. We have many kind of different varieties of fishes. Can I see this fish farming? No. It's not for public. No, it's for not visitors maybe. Yeah, yeah. So, you get permission, you can. Okay. So what you say about this place? This place looks nice, very greenish. Yeah. It mostly famous for flamingos. Yeah. Yeah, flamingo hatchery. So yeah. I saw many flamingos during morning time. Yeah, I see 1-3, but it is like in bunch in February, March month. Yeah, February. Yes. Beginning of February. Yes. Nice to meet you also. Yeah, subscribe my YouTube channel, Shetty yes, Traveler. Yes, yes. Shetty Traveler. Yes. Oh, nice. Okay. Yeah, thank you. देखो गाइस एकदम बढ़िया जगह, ये पहला बायोडाइवर्सिटी सेंटर में आए हैं यहाँ पे। सुपर भाई यहाँ पे टोटाइज है, टर्टल है, फ्लेमिंगोज है, रियल टर्टल है, सब साइज बहुत बड़े हैं। और ये फ्लेमिंगो का साइज तो देखो यार, सुपर ये रियल है ना, ये रियल है, इट्स नॉट डुप्लीकेट, इट्स रियल। उसको केमिकल डाल के प्रिजर्व किया उन लोगों ने, दिखने में तुम्हें लगा होगा ये डुप्लीकेट है लेकिन नहीं, ये रियल है। देखो उसके बीक्स देखो, उसके आईज देखो, रियल है, फुल रियल। ये देखो रियल है, रियल। चलो अब हम दूसरे सेंटर में जाते हैं, मजा आ गया यहाँ पे यार, सीरियसली। चलो अब हम दूसरे सेंटर में जा रहे हैं। अरे यार बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों, लेट्स सी, तो बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो देखते हैं जैसे सेंटर में जाते कमा। हेलो गाइस, सेंटर बंद किया था तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया प्लीज प्लीज चालू करो करके, तो उन्होंने अभी चालू किया, लेट्स सी देखते हैं। अभी चालू कर रहे हैं सेंटर, ये हम आ गए अंदर। ये रहा सेंटर, देखो ये एंट्रेंस ऐसा है। वेलकम टू कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर, ये सेंटर है ना, बढ़िया एकदम, बहुत ही सही जगह है। अच्छा इसके बाद में इंफॉर्मेशन है, ऐसा है, ओके गुड। ये क्या देखो, ये भी मैंग्रोव है, सुपर्ब यार। गवर्नमेंट ने सही इन्वेस्टमेंट किया, सही खर्चा किया इस सेंटर पे, एकदम मस्त बना, एकदम झकास बना है। देखो लो टाइड में, देखो ये मैं बोला ना, ये है ना, पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है फिश। और ये क्या है भाई, ये देखो क्या, ये फ्रॉग का आवाज है, वाओ सुपर्ब,
ये किसका आवाज है? वो हो सी द साउंड, एकदम बढ़िया। थैंक्स फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्या पैसा इन्वेस्ट किया इसमें, सही बनाया, मतलब टूरिस्ट लोग के लिए ऑसम है, खासकर स्टूडेंट्स लोग के लिए जो मतलब उसको बायोडाइवर्सिटी मतलब रियल नेचर वॉइस, नेचुरल वॉइस यहाँ पे सुनाई दे रहा है, बहुत सही है। मड फ्लैट्स आर ऑन इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम, ये आई थिंक सो। हाँ, देखने का सीन है वाला, बंद किया है ये, बंद है, चालू नहीं है, बंद है लगता ही वाला, ये अंदर देखने का रहता है वो, सही है फिर भी। हाँ, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो यहाँ पे अभी मैं जिधर जिधर जाएगा ना उधर मेरे को एनिमल्स दिखेंगे, ये टॉर्च टाइप है, देखो ये रहा बैट, ये मुझे देखा बैट, ये मुझे देखा एक बर्ड, यहाँ पे ढूंढने का रहता है, देखो ये यहाँ पे एक बर्ड है, ये देखो वो मट स्कीपट वाला फिश, ये देखो ये वो फिश है, दिख रहा है ना आपको, सही टेक्नोलॉजी है भाई, सही टेक्नोलॉजी है। सिस्टम तो देखो ना भाई, फोटोज वोटोज देखने का रहेगा तो इसमें ही आता है, क्लिक करूँ क्या? ये देखो ये फ्लावर मैंने देखा है, सही टेक्नोलॉजी यार, ऑसम, मजा आ गया यार। ये रहा मुंबई का मैप, मुंबई का मैप सही है, आपको पता मैं किधर हूँ? ये देखो ये ठाणा क्रिक है और मैं इधर हूँ, मेरा घर इधर है भांडुप में, इधर जाना पड़ेगा मुझे। हम चले अंदर, एक्वेटिक एक्वेटिक, ये देखो पॉम्परेट पापलेट मच्छी, फ्लाइंग फिश, पॉम्परेट, सी अर्चिन काटे वाला मच्छी, स्टार फिश, डॉल्फिन। आई थिंक ये डिस्प्ले बंद किया है, टेबल ने डिस्प्ले बंद किया इन लोगों ने। देखो हमने इसका बोन देखा भी, स्पर्म वेल का आपने देखा, हमबैक की स्पर्म वेल, आई डोंट नो कंफ्यूजन, मुझे लगता है हमबैक वेल ही हो सकता है, हमबैक वेल का ही बोन्स देखा, दोनों में से एक, या तो हमबैक वेल्स या तो स्पर्म वेल, मुझे याद है दोनों में से एक ही हो सकता है। ये तो देखो ना भाई, फुल फैंटास्टिक ना, कोस्टल एंड मरीन बायो, इतने टाइप के सारे स्पीशीज यहाँ पे हैं, अवेलेबल है, ढूंढने का तो मिलेंगे हर एक चीज आपको। चलो ये कौन सा है, सारे डिस्प्ले बंद किए, एक्वेटिक स्टोन्स, फिश टैंक है या तो कुछ है या नहीं, सब बंद है फिलहाल। मुझे तो बहुत मजा आ गया यार, सुपर है तो प्लीज। ये ऑडियो विजुअल वाला हॉल है, यहाँ पे तुमको ऑडियो विजुअल, अभी तो फिलहाल बंद है, यहाँ पे ऑडियो विजुअल भी होता है, मतलब स्कूल पिकनिक भी आ सकते हैं यहाँ पे, स्कूल पिकनिक भी आ सकते हैं यहाँ पे, देखिए रिसेप्शन घर से आते हैं, मज़ लगे ऑसम है, सही प्लेस है, एकदम बढ़िया है। चलो फिर जाए, हम निकलते हैं ऐसे, जाते हैं, अब हमें घर भी जाना है। आज का ब्लॉग बहुत सही था, एकदम सक्सेस रहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज ब्लॉग हो सकता है मेरे से, क्योंकि बहुत लेट भी हुआ था, टाइम भी साथ नहीं दिया था, लेकिन अब कैसा सब ब्लॉग मैंने कैप्चर किया। देखो अंधेरा हो गया है, देखो लाइट पूरा डिम हो चुका है अभी, तो थक गया यार, अभी फिर से मुझे साइकिलिंग करके घर जाना है, लेकिन मुझे प्लेस छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, एकदम बढ़िया जगह है, थोड़ा बैठते टाइम पास करते चिल मारते, बहुत ही बढ़िया। गाइस शेट्टी ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ऐसे न्यू प्लेस मैं आपको दिखाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, जिधर जिधर मुझे मौका मिले उधर उधर मैं ब्लॉग करूँगा, भले वो कितना भी दूर हो लेकिन ब्लॉग करूँगा और तुम तक ज़रूर पहुँचाता रहूँगा, एकदम ऑसम ऑसम प्लेस घुमाता रहूँगा, एकदम बढ़िया। अब तो दो प्लेस तो मैंने बता दिया है, एक भांडू पंपिंग स्टेशन और एक ये ठाणे फ्लैमिंगो क्रिक, और आगे देखते हैं और कौन सा न्यू प्लेस। ब्लॉग तो अपना चालू रहेगा यार, अपने तो ब्लॉग से बहुत लगाव है, ब्लॉगिंग तो करना मज़े की बात है मेरे लिए, तो वो तो चालू रहेगा। चलो फिर अलविदा, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।